हरियाणा के तोसाम में जसपा के पांचवें स्थापना दिवस पर 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली रैली में ग्रामीणों को निमंत्रण देने भिवानी के सेक्टर 13 मेला ग्राउंड में दिग्विजय चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी युवा हित ऐसी पार्टी है। उप मुख्यमंत्री एक तरफ जहाँ युवाओं के रोजगार के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं, वहीं हरियाणा के प्रत्येक गाँव में ई लाइब्रेरी बनवाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले जब जींद के पांडू पिंडारा में जसपा की स्थापना की गई, तब हरियाणा के युवाओं को पार्टी से बहुत उम्मीदें थीं। दुष्यंत चौटाला उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए गांव गांव में ई लाइब्रेरी बनवाने का लक्ष्य रखा है। दिग्विजय ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने हरियाणा में रिकॉर्ड मंडियां बनवाने का काम किया है। आज शाम लगभग 16-17 गांव के अंदर पार्टी के गांव गांव जाकर के लोगों को रैली का न्योता दे रहे हैं। कितना उत्साह है ये आप देख सकते हैं। जींद में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे जब ये पार्टी बनी। मैं बड़े विश्वास से, जनता के विश्वास पर ये कह सकता हूँ कि इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। उससे बड़ी रैली भिवानी में होगी, ऐतिहासिक रैली होगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी और इसकी बिना पर पार्टी जो है अपने दम पर पैरों पर खड़ी। आप जगह जगह युवाओं की पार्टी कहा जाता है जेजेपी को, क्या मान के चल रहे हैं युवाओं के लिए क्या क्या कार्य किए अभी तक? पर 75% आरक्षण की बात हो, नौजवानों के रोजगार को सुनिश्चित करने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें, लाइब्रेरी का एक नई प्रथा दुष्यंत जी ने गाँव गाँव में चलाई, तो ये काम जो किसी ने आज तक सोचा नहीं था वो दुष्यंत जी। तो किस क्या अनुमान है रैली में कितने लोग शामिल होंगे? ऐसा है जी, मैं अगर आज कोई अनुमान लगा लूँ या मैं कोई संख्या में आज बता दूँ तो